नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने सभी नर्सों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नर्सों की भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अहम है, क्योंकि डॉक्टर अपना काम करते हुए बीमारी का पता लगाकर मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन मरीज की देखभाल नर्सें ही करती हैं और उस देखभाल के बिना मरीज बिल्कुल निराश और हताश हो जाते हैं। अम्बाला शहर के फिलाडेल्फिया अस्पताल स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्राएं एवं नर्सिंग स्टाफ अस्पताल निदेशक डॉक्टर सुनील सादिक के नेतृत्व में अम्बाला स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर नर्सों की उपयोगिता विषय पर एक भाव विभोर करती हुई लघु नाटिका प्रस्तुत की। इस नाटिका की वहां उपस्थित सभी गणमान्यों ने प्रशंसा की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने देखा है कोविड-19 के दौरान लोग डर के दूर भागते हैं, लेकिन नर्सों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस वक्त लोगों की देखभाल की है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय अज्ञात शत्रु ने मानव जाति पर हमला किया था, जिसके रंग रूप और शक्ल साइज का पता नहीं था। उस समय केवल सेवा भाव से नर्सों ने मरीजों को ठीक किया और उस अज्ञात दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। नर्स की उपयोगिता आपके जीवन में क्या हो सकती है, किसी के परिवार में क्या हो सकती है, और इस कोविड में जब हमने इस चीज़ को फील किया कि हम एक रिसर्चर थे, हम काउंसलर थे, हम प्रोटेक्टर थे, एजुकेटर थे, हम टीचर थे, हम केयर गिवर थे, और लास्ट में हमने हर बार बट स्पेसिफिक नर्सिंग केयर इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन मार्क। प्रॉपर नर्सिंग केयर यूजुअली प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू पेशेंट। हमने उस समय में ये फील किया कि जिस तरह से सर हमारे पीछे खड़े थे, हमने हर जगह कभी भी हमने इस चीज़ को फील ही नहीं करने दिया कि किसी भी पेशेंट को केयर करने के लिए हमको कुछ और भी सोचना है। हर वक्त एक ब्लेसिंग हमारे पीछे रहती थी और एक एनकरेजमेंट रहता था, और हमेशा से हम चाहते हैं कि सर आप हमारे पीछे हमेशा ऐसे ही खड़े रहिए। पूरे हरियाणा की नर्सेज आज आपकी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि एक तो व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने अगर इतने लोग ये बाहर खड़े हैं, ये माइक के आगे आके बोलते हैं, तो उन्हें इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का ये दिन इंटरनेशनल नर्सेस डे, नर्सेस की तरफ से अपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए बहुत सारी तालियों के साथ हम इसको विश करते हैं। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन। सर अगर आप दो शब्द भी इनके लिए बोलें तो इट विल बी ग्रेट। मैं सबसे पहले आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर सभी नर्सिस को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नर्सिस की भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अहम है। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, डायग्नोज करते हैं, इलाज करते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन मरीज की देखभाल नर्सिस करती हैं, और उस देखभाल के बिना मरीज बिल्कुल निराश और हताश हो जाते हैं। मैंने देखा है, कोविड में भी देखा है कि लोग डर के दूर भागते थे, लेकिन नर्सिंग ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस वक्त वो जो अज्ञात शत्रु ने हमला किया था मानव जाति पर, जिसका रंग रूप नहीं पता था, आकार नहीं पता था, साइज नहीं पता था, इफेक्ट नहीं पता था, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट है नहीं पता था, क्या उसका इलाज है नहीं पता था, केवल सेवा भाव से आप लोगों ने मरीजों को ठीक किया और उस अज्ञात दुश्मन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, और मानव जाति को, ये मानव ईश्वर की सर्वोच्च कृति है, परंतु फिर भी कुछ लोगों को जन्म से ही कुछ बीमारियां मिलती हैं, कुछ जिंदगी में आवागमन करते हुए बीमारियां मिल जाती हैं। ये जो परमात्मा ने
मनुष्य बनाया है ये ठीक ठाक चलता रहे तो ठीक रहता है, अगर इसमें कुछ व्यवधान आ जाए, कुछ बीमारियां आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए तो जिंदगी बोझ बन जाती है। उस बोझ को हल्का करने के लिए, उस बोझ को खत्म करने के लिए ये नर्सेस दिन रात एक करती हैं, मरीज को चंगा करती हैं, मरीज को अच्छा करती हैं और मरीज ठीक होकर अपने घरों को वापस जाते हैं। मैं एक बार फिर नर्सिस डे पर सभी नर्सिस को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।